नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा जहां मैं समय समय पर करंट अफेयर और शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। क्या पिछड़ा आयोग ने जो इष्ट दिया है और जो तलब किए गए हैं अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के, उसमें क्या होने वाला है, उस विषय में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर पेंडिंग है। सरकार 21 मई के ऑर्डर के अनुसार जो है भर्ती करना चाहती है शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़ करके। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक तरफ 60% और 65% पे मेरिट बना दी जाए, उसके बाद जो दूसरा चरण हो यानी कि 31,661 को पहला चरण मानकर चल रही है सरकार, और दूसरा जब चरण हो तो उसमें क्या होता, ऑर्डर 45 और 40 के लिए आए तो क्या एक भर्ती में इन दो कट ऑफ मार्क पर भर्ती हो सकती हैं, 60-65 पर भी और 40-45 पर? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से जो पिछड़ा आयोग है उसने सरकार के जो बेसिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनको तलब किया है। अगर मोटे तौर पर आर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 37,300 जो पोस्टें हैं असिस्टेंट टीचर की 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनको वैकेंट शिक्षा मित्रों के लिए जो है रखा गया है। और कंटिन्यू विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट रिमेनिंग पोस्ट, यानी जितनी भी इसके अलावा 69,000 में पोस्टें हैं उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऑर्डर 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने किया था। लेकिन कुछ ओबीसी के अभ्यर्थी थे, उनको लग रहा था कि जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आवंटन लिस्ट जारी हुई है उसमें कुछ गड़बड़ी है, जिस कारण से वो आयोग गए थे और आयोग ने पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती पर स्टे दे दिया था। फिलहाल अगर सरकार की माने तो सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती को दो चरणों में पूरा करने का पूरी तरीके से मन बना लिया है, यानी प्रथम चरण में 31,361 की सूची निकालने जा रहे हैं। इसी बीच अभ्यर्थी जो है आयोग गए थे और आयोग ने एक लेटर जारी करके बेसिक शिक्षा परिषद की जो सचिव हैं रेणुका कुमार, उनको तलब किया है। फिलहाल अभी तक की जो स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं प्रभावी होगा और पूरी तरीके से प्रभावी होगा, जिसको लेकर के सरकार चल रही है। अगर आयोग ने 69,000 शिक्षक भर्ती पे स्टे दिया है तो उसका किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सीधी सी बात है, जब राष्ट्रीय जो ओबीसी आयोग है निश्चित रूप से वो अवमानना का जो है कंटेम्प्ट करेगा अभ्यर्थियों के कहने पर, क्योंकि अभ्यर्थी पिछड़ा आयोग गए थे और इसी कारण जो है उन्होंने विभाग के अधिकारियों को तलब किया है। लेकिन जब विभाग जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभाग का दावा है कि आयोग की वस्तु स्थिति को अवगत करा दिया गया है, नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत की जा रही है। तो वहाँ पर आयोग का कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी कि जब 24 या 25 जब भी जो है अधिकारी ओबीसी पिछड़ा आयोग जाएंगे तो वहाँ पर सीधे सीधे वो एक सुप्रीम कोर्ट का जो 21 मई का आर्डर है अभी मैंने आपको दिखाया है उसका हवाला देंगे, जिस पर जो है पूरी तरीके से राष्ट्रीय ओबीसी आयोग असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर यह कहा गया कि शिक्षा मित्रों की सीटें रोक करके आप इसको कंटिन्यू करें। बाकी जो आवंटन लिस्ट है जो ओबीसी का मामला है उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर 31,361 की जो लिस्ट है उसको लेकर के अभी शासन से फिलहाल कोई निर्देश कल तक जारी नहीं हुआ है। जब ट्वीट आया था तो ट्वीट को आए हुए लगभग 3 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी निर्देश नहीं मिला है। फिलहाल आज की जो स्थिति है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार चाहती है कि दो चरणों में ये भर्ती पूर्ण हो और पहला चरण 31,361 हो और इसमें जो ओबीसी आयोग है निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल नहीं देना चाहेगा। अब यहाँ पर अभ्यर्थी जो है पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग के निर्णय के खिलाफ भर्ती पर आंदोलन की चेतावनी। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों का कहना है कि जो आवंटन लिस्ट जारी हुई है उसी के अनुसार जो है उस पर आगे बढ़ा जाए, और साथ ही साथ जो पिछड़ा आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है, इस वजह से जो है
जब तक आयोग का निर्णय नहीं आ जाता तब तक भर्ती ना करें। इसको लेकर के भी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि रोक के बावजूद भी इस भर्ती सरकार करने जा रही है और एक स्टेप सरकार ने ले लिया है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कुछ एक दिन में जो है सरकार की तरफ से निर्णय आ जाए, सरकार की तरफ से कोई ऐसा शासनादेश जारी हो। जैसे ही शासनादेश जारी होगा निश्चित रूप से, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि इस प्रकार ये लोग मेरिट बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार ये लोग मेरिट बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे और उसके बाद एक आवंटन लिस्ट जारी कर देंगे। फिलहाल जो पुरानी आवंटन लिस्ट थी इसमें जो जिले मिले थे वही जिले रहने की संभावना सबसे ज़्यादा है। रेणुका कुमार ने कहा कि आयोग को भर्ती में ओबीसी वर्ग को दिए जाने आरक्षण की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी जानकारी आयोग को दे दी गई है। यानी कि आयोग को सारी चीज़ें दे दी गई हैं, विभाग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से नियुक्त कर रहा है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा निश्चित रूप से प्रभावी रहेगा। इसी कारण जो है विभाग थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया है कि दो स्टेप में भर्ती पूर्ण कराई जाए और जो है पहले स्टेप में 31,661 अभ्यर्थियों की जो है ज्वाइनिंग करा दी जाए। फिलहाल मैंने कल आपको बताया था कल के वीडियो में, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो कल का वीडियो देख सकते हैं, और उसमें मैंने बहुत तक स्थिति स्पष्ट कर दी है कि किस प्रकार मेरिट बनने की संभावना है, तो दोस्तों वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। किसी भी सजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब यहाँ पे निर्णय ये है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जाएगी या ओबीसी आयोग के अनुसार जाएगी, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू।